स्टार्ट। सभापति महोदय, मैंने राष्ट्र निर्माण के कुछ ही उदाहरण दिए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। वास्तव में यह प्रत्येक भारतीय जो अपना काम निष्ठा व पालन व लगन से करता है, जो समाज को नैतिकतापूर्ण योगदान देता है, चाहे वह डॉक्टर हो, नर्स हो, शिक्षक हो, लोक सेवक हो, फैक्ट्री वर्कर हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने वाली संतान हो, ये सभी अपने अपने ढंग से स्वाधीनता के आदर्शों का पालन करते हैं। ये सभी नागरिक जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हैं और अपना वचन निभाते हैं, वे भी स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों का पालन करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो देशवासी कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और अपने से आगे खड़े लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, वे भी हमारे स्वाधीनता सेनानियों और सपनों का भारत बनाते हैं। यह एक बहुत छोटा सा प्रयास है, आइए कोशिश करें इसे हम सब अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महोदय, भगवान बुद्ध के और महापरिनिर्वाण के बाद भी ऐसे मठ, तीर्थ स्थल, विश्वविद्यालय तथा शिक्षा व साधना के स्थान जिन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया, भारत में स्थापित हुए। आज भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में बौद्ध विरासत स्थल मौजूद है। सामूहिक रूप से ये स्थल तीर्थ यात्रियों, धार्मिक पर्यटकों और आकर्षित यात्रियों में बौद्ध परिपथ के नाम से लोकप्रिय है। महोदय, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका मेल जोल हो जाता है। यही मेल जोल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर की हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संसार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना
और बुरा है जो हमारी की बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर चपेट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगमता हो जाता है। धन्यवाद।